अस्सलाम वालेकुम, सो फियास्को खास में आप सभी का वेलकम। चलिए आज हम लोग बनाते हैं बहुत झटपट सा कैरेमल पुडिंग, जो कि बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली डिश है और बहुत ही मज़े की होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए हमने ले लिया है न्यूट्रेला, ये हम बताएंगे उस टाइम कि कितना लेना है। इसको हम लोग मेल्ट करेंगे। 1 टेबल स्पून कॉफ़ी चाहिए, किश्ता क्रीम इस तरीके के 2 डब्बे चाहिए, और इस तरीके के केक घर में होते हैं बच्चों के लिए, आप एक लेयर लगाने के लिए मिक्स कर लें या सिर्फ एक ही रखें जो आपको पसंद है। हमने इसमें का ये दो लिया है और दो इसके कर लिए हैं, और कुछ टी बिस्किट्स, तो ये हमने पार्ले जी लिया है, इसकी जगह आप लोग मैरी बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी टी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए एक ड्रीम व्हिप और एक कैरेमल पाउडर एक चाहिए, और हमें चाहिए 1/2 कप से 1 कप मिल्क। तो अब हम लोग इसके लिए एक क्रीम, पहले सबसे पहले क्रीम तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा मिल्क डालेंगे इसमें, सिर्फ 1 मिनट हमने इसको व्हिप किया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये पिस्ता क्रीम, कोई सी भी क्रीम आप 10 पैक यूज़ कर लें। और इसमें ये डाल देंगे कैरेमल पाउडर, इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल करके इसको पतला रखेंगे। हमने केक को इस तरीके से काट के डिश में इसकी लेयर लगा ली है। इसमें जो हमने क्रीम तैयार किया है इसके ऊपर इसको डाल देंगे। अभी हमने 1 टेबल स्पून कॉफ़ी और 1/2 कप मिल्क में इसको बिस्किट को डिप करके ऊपर से लेयर लगाएंगे इसकी। हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे इसको। अब इसके ऊपर से बाकी बची हुई जो ये क्रीम तैयार की हमने इस पर ऐसे लेयर इसकी लगाएंगे। इस तरीके से इसको पूरा कवर कर लेंगे। ये एक हमने किश्ता क्रीम इस तरीके से निकाल के रखा हुआ है, इसको अब हम इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, इसमें टोटल 3 हमने किश्ता क्रीम यूज की है, और एक क्रीम बनाने के बीच में और 2 ऊपर से, तो ये एक बड़ी डिश के लिए आपको 3 किश्ता क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। 2 टेबल स्पून हमने न्यूट्रेला को मेल्ट करके रख लिया थोड़े से दूध में, 2 टेबल स्पून मिल्क लिया था। अच्छा, अब हम एक टूथपिक लेंगे और टूथपिक की मदद से। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नई वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें।
तो देखिए ये झटपट से बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा बन कर के तैयार हो गया है। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और अपनी अगली फरमाइश मेरे कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं सूफियाज़ कुक हाउस में एक नई सी मज़ेदार डिश के साथ। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।